हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज के वीडियो में हम USDNR की शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। ये एक एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें सेम एक्सपायरी की एट द मनी यानी कि ATM की कॉल और पुट दोनों को सेल किया जाता है। ये स्ट्रेटजी सबसे पास वाली एक्सपायरी में बनाना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अगर आप निफ्टी में बना रहे हो तो वीकली ले सकते हैं, और स्टॉक्स में बना रहे हो तो फिर मंथली ले सकते हैं, जो भी नियर मंथ होगा उसमें। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी USDINR 79.50 लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो ये ATM स्ट्राइक हो गया। और अब हम 19 अगस्त की एक्सपायरी की बात करते हैं, तो 79.50 की कॉल और पुट दोनों सेल कर देंगे। तो सपोज करो कि अगर 79.50 की कॉल मेरी सेल हुई है 0.1625 में और पुट मेरी सेल हुई है 0.2425 में, तो अब इसके मैक्सिमम प्रॉफिट और ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पे 10 लॉट्स की कैलकुलेशन ली है मैंने। तो अगर USDINR की एक्सपायरी सेम लेवल पे हो जाती है तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो होगा 4050 यानी 4050 रुपीस के बराबर। तो वहीं अगर USDINR 79.095 से नीचे एक्सपायर होता है तो इसमें लॉस आना शुरू हो जाएगा, और ऊपर में अगर 79.905 से ऊपर जाता है तो इसमें लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में आप जब भी ये अपने ब्रेक इवन यानी कि ऊपर में 79.905 और नीचे में 79.095 क्रॉस करता है तो स्ट्रेटजी से एग्जिट हो सकते हैं, या फिर आप एक फिक्स स्टॉप लॉस मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप इस स्ट्रेटजी में फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं लेंगे। USDNR बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता, तो इसमें मोस्टली आपको प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस ज्यादा हैं। थैंक यू।